तो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो हमने क्या बताया, सिंपल सा यूक्लिड एल्गोरिथम हमको लिखनी है और बी की वैल्यू कितनी लिखनी है जो यहाँ मल्टीपल क्यू का मल्टीपल दिया हो। तो हमको यहाँ से 6 ले लेनी है। अब आर की पॉसिबल वैल्यू हमारी क्या क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी जो आपने माना है उससे एक कम तक जाना है। अब ध्यान से देखो, 1 लेना 3 लेना 5, यानी 0, 2 और 4 पे हमको बात नहीं करनी, जितना हमारे काम का है बस उतने पे बात करनी है। इफ़ अब यहाँ से बेटा पहली वैल्यू उठाते हैं, इफ़ आर इज इक्वल टू 1 लेते हैं, बी की वैल्यू आपने 6 पहले से कंसिडर की है, तो ए इज इक्वल टू 6q+1। यहाँ से 6 इज अ इवन नंबर, क्यू के साथ अगर इवन इंटू एनीथिंग इवन हो जाएगा, 1 के साथ क्या होगा ऑड, 1 इज अ ऑड नंबर, तो इवन प्लस ऑड हमेशा क्या होता है ऑड। यहाँ लिखोगे 6q इज इवन, इसमें बस लिखना पड़ता है इवन नंबर एंड 1 इज ऑड, हेंस 6q+1 इज एन ऑड नंबर, या लिख सकते हो सिंपली सम ऑफ इवन एंड ऑड नंबर इज अ ऑड नंबर। क्लियर? अब हम क्या कंसीडर करते हैं, आर की वैल्यू यहाँ से 3 ले लेते हैं, तो ये वाला फॉर्मेट आ जाएगा, है ना, 6 की वैल्यू ये बी की वैल्यू वही रख देते हैं, तो ए इक्वल टू 6 इंटू क्यू प्लस 3, है ना। यहाँ 6 रख दिया बी की जगह, दिस इज अ बी नॉट 6, बी की जगह ये रख दिए और आर की जगह ये, तो यहाँ से आ गया सिमिलर वही 6q क्या है बेटा, इवन है, क्योंकि इवन इंटू एनीथिंग क्या हो जाता है, इवन हो जाता है, 3 इज अ ऑड नंबर, यहाँ से हम क्या कमेंट कर देंगे, 6q इज अ इवन नंबर, 6q इज अ इवन नंबर एंड 3 इज ऑड, हेंस देम सम इज अ ऑड नंबर, बस इतना सा लिख देना। फिर सिमिलरली बेटा इफ आर इजक्वल टू हम क्या ले लें, 5 ले लें, तो यहाँ से ए इजक्वल टू बी की वैल्यू आपने पहले ही 6 मानी है, बस आर की वैल्यू बदल रही है 5, तो यहाँ से फिर से वही कहानी, 6q इज अ इवन नंबर एंड 5 इज ऑड, हेंस देम सम इज ऑड नंबर, बस सिंपली। आइए फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यूज यूक्लिड एल्गोरिथम लेमा सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज 3m एंड और 3m+1, वेयर m एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर? फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर। तो यूक्लिड एल्गोरिथम तो हमको भैया पहले इसी तरीके से लिख लेनी है, हमने बताया ना बी की वैल्यू आपको वही माननी है, बी की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे लेट ए इक्वल टू भी एन मान लेते हैं, कोई नंबर मान लेते हैं अपने, मान सकते हो, नहीं भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं, और बी की वैल्यू यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। क्लियर? अब यहाँ से बस जो मल्टीपल है वही मानना है और कुछ नहीं, अपनी बुद्धि नहीं लगानी, बस मान लेना है इसमें। और आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, 1 एंड 2। क्लियर? चलिए तो यहाँ पे अगर हम फिर से वही कहानी, इफ आर इक्वल टू 0, ए की वैल्यू कितनी है बेटा, एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3q, स्क्वायरिंग बोथ साइड, उन्होंने स्क्वायर बोला है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि दो क्वेश्चन में बोला है कि आप इसका स्क्वायर बताओ, स्क्वायरिंग करोगे तो बेटा इधर एन स्क्वायर और इधर क्या आ जाएगा बेटा, 9q2, तो एन स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से 3 क्यू का स्क्वायर कर लो, और यहाँ पे क्या कर लो, फिर इतना आ गया। अब जो वैल्यू है यहीं से क्या मान लो, लेट 3q² = m, वेयर m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पे m कोई पॉजिटिव इंटीजर है, हम इतना मान लिए, यहाँ पे वैल्यू उठा के रख दो, तो n² = क्या हो जाएगा बेटा, 3m।
बस यही क्या करना था, प्रूव करना था, प्रूव। क्लियर? अच्छा, तो उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, तो हम ले लिए, कोई भी ले लिए, वहाँ पर हमने इसको बराबर इतना दिखा दिया और यहाँ रख दिया तो आ गया। सिमिलरली बेटा, हम जब r, if r इज इक्वल टू कितना ले लेते हैं, 1, 3 तक, 2 तक जाना है, 1 ले लेते हैं, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a की जगह n रखेंगे, b की जगह 3q+1, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करें तो इधर n स्क्वायर आ जाएगा, इधर 3q+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। हमको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, है ना? तो यहाँ से आ जाएगा n स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा n स्क्वायर इक्वल टू 9, 3a² 9q² + 2ab पहले ले लें, चाहे जब ले लें, तो 6q+1। ओके, तो यहाँ से n स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से ध्यान से देखो 3 कॉमन ले लें, तो 3q² + 2q+1। यहाँ से इसको क्या मान लें, 3q² + 2q को हम क्या मान लेते हैं, m, वेयर m बिलोंग्स टू एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ रख देते हैं, तो n स्क्वायर इक्वल टू 3, इस पूरे की जगह m मान लिया हमने, है ना, m मान लिया, तो m प्लस 1। ये क्या हो गया बेटा, प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, है ना। यहाँ n स्क्वायर इक्वल टू इतना, इतना हम इसको क्या कर लिए, कंसिडर कर लिए।